जय श्री कृष्ण। नई नवेली किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक फलाहारी रेसिपी लाई हूँ जो स्पेशली लीची लवर्स के लिए है। वैसे तो ये सभी के लिए है, लेकिन लीची पसंद करने वालों के लिए है ये रेसिपी स्पेशली। मैं आपको लीची के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि लीची आपके लिए कैसे फायदेमंद है। लीची विटामिन सी से भरपूर है, इसमें मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं, साथ ही बीटा कैरोटीन से भरपूर है जो कि आपके दिल को स्वस्थ रखने में बहुत लाभकारी है। साथ ही ये कैंसर कोशिकाओं को शरीर में बढ़ने से रोकती है और इसके साथ साथ ये अस्थमा वाले मरीजों को और जिनको कब्ज की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये रामबाण का काम करती है। अभी बहुत गर्मी हो रही है तो कभी कभी हमें सनबर्न हो जाता है, इसकी हमारी काली पड़ जाती है या झुलस जाती है, तो उस समय भी आप इस लीची के रस को वो सनबर्न पे यदि लगाया जाए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और मैंने आज आपके लिए बनाई है फलाहारी स्टफ लीची रबड़ी, तो मैं इसको टेस्ट करके आपको बताना चाहूंगी। बहुत टेस्टी बनी है, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो पैन में जब भी किसी भी पैन में बर्तन में कढ़ाई में जब भी आप दूध गर्म करें तो सबसे पहले उसमें 2 घूंट पानी डाल लें और पूरे उसको बर्तन में घुमा लें ताकि एक पानी की कोट चढ़ जाए उसके ऊपर। उससे क्या होगा, आप जब भी दूध पकाएंगे उसको रड़ाएंगे या गर्म करेंगे तो वो कभी भी नीचे तले में चिपकेगा नहीं। तो हमने 1 लीटर दूध लिया है जिसको हम लोग उबालेंगे और इसको हाफ होने तक उबालते रहेंगे और बीच बीच में इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे, ये नीचे लगे नहीं। इसके लिए पहले हम लीची कलाकंद के लिए दूध हमने गर्म होने के लिए रख दिया है जिसकी रबड़ी बन रही है, तब तक हमने लीची को छील लिया है। अब इसको गुठली निकाल ली है, इसको देखिए इस तरह से छील छील के आप लीची के अंदर एक हल्का सा कट लगाए इस तरह से और इसकी गुठली को इस तरह से निकाल ले। गुठली निकालते टाइम ध्यान रखें, कभी कभी इसके मुंह पे गंदगी भी होती है, ये बिल्कुल साफ है लेकिन ब्राउन ब्राउन होता है, तो आप उसको अच्छे से साफ कर लें। इस तरह से सारी गुठलियां लीची की निकाल लें। अब इस लीची को, कुछ लीची हमने गार्निश करने के लिए अलग से रखी है, करीब 5 से 7 इनको हम स्टफ करेंगे। और जो लीची एक्स्ट्रा है हमारी, ये 18-20 लीची हमने ली है कम से कम, तो ये सारी लीची को हम मिक्सी में पीस लेंगे, पल्प बना लेंगे इसका बिना पानी मिलाए। ये हमारा लीची का पल्प बिल्कुल रेडी है, इसको हम एक तरफ रख देते हैं और स्टफिंग की तैयारी करते हैं। स्टफ करने के लिए हम पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे मावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है लगभग 50 ग्राम पनीर है, ये घर का बना पनीर है इसलिए इस तरह से है। इसको हम अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं एक बार ताकि इसके अंदर हम मसाला फिल कर सकते हैं। और ये जो पनीर है इसमें हम चीनी मिला रहे हैं, 2 चम्मच चीनी मिला रहे हैं। टेस्ट आप कर लें, आपको बहुत मीठा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी ज़्यादा मिला सकते हैं। हम इसमें 2 चम्मच चीनी मिला रहे हैं और 1 पिंच दालचीनी का पाउडर है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको दालचीनी का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें मिलाएं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं मिलाएं। साथ में हम मिला रहे हैं कुछ काजू और बादाम, ये करीब 10 काजू और 10 बादाम है जिनको मैंने छोटे छोटे काट लिया है ताकि जब हम खाएं तो इसको मुंह में हमारे एक अच्छी सी बाइट आए। इसलिए 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर मिला रहे हैं। हमारी स्टफिंग तैयार है, ये हमारी लीची जिसके हमने बीज निकाल दिए थे। अब इसके अंदर हम गुठली की जगह पे ये मसाला भर लेंगे, इसको इस तरह से अच्छे से दबा दबा के इसको इस तरह से सारी लीची हम स्टफ कर लेंगे। हमारा 1 लीटर दूध था जो लगभग आधा हो चुका है, उसमें ये जो हमने मिक्सचर बनाया था स्टफिंग करने के लिए ये मिला देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एक उबाल आने देते हैं। एक अच्छा उबाल आने के बाद इसमें हम लोग चीनी मिला रहे हैं, चीनी को अच्छे से पकने देंगे। ये 1 टेबल स्पून चीनी मिलाई है मैंने, चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए ये चीनी हमारी पक गई है, चीनी पकने के बाद हमने ये जो पल्प बना के रखा था ये डाल देते हैं, तो लगातार चलाते रहेंगे हम जब तक दोबारा उबाल ना आ जाए।
देखिए लीची के पल्प डालने के बाद उबाल आ गया है, इसको हम लगातार चलाते जा रहे हैं। अभी इसको हम करीब 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद इसको गैस बंद करके एकदम ठंडा कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे, चिल्ड होने पर इसको सर्व करेंगे। अच्छेदार रबड़ी बिल्कुल तैयार है, ये देखिए इसके अंदर अच्छे अच्छे लच्छे बन रहे हैं। अब इसको हम लोग बिल्कुल ठंडा होने देते हैं, एकदम चिल्ड होने पर इसको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर आने के बाद फ्रिज में रख देते हैं, बिल्कुल चिल्ड होने पर इसको हम सर्व करते हैं। और हाँ, लीची का अतिरिक्त सेवन आपके हार्मोन्स को गड़बड़ा सकता है, और स्पेशली गर्भवती स्त्रियां या स्तनपान करने वाली महिलाएं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लीची का सेवन करें। हमारी रबड़ी ठंडी हो गई है, जो बिल्कुल इसमें बहुत फर्स्ट क्लास लच्छे बन गए हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा और पतला रख सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह की रबड़ी बहुत पसंद है। आप चाहे तो इसको 2 मिनट पहले बंद कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दूध और रह जाएगा। इसको हम सर्व करते हैं, साथ में ही हमारे पास ये भी हमारे ठंडे हो गए हैं लीची, जिसको हमने स्टफ की थी। देखिए हम इसको सर्व करते हैं। रेडी हमारी लीची रबड़ी, स्टफ लीची रबड़ी। Thank you.